उसके पीछे हम ट्रेन है, हम टक्कर नहीं मारेंगे, हमें पीछे वाले भरोसा नहीं। एक तो माउंटेन ऊपर से बारिश और ऊपर से धुंध भी, दिल्ली में कितनी अभी वो होगी ना गर्मी, क्या तो वहाँ भी बारिश हो रही है, हम जा रहे हैं तो बारिश लेके चलते साथ में, हमने बादल बांध लिए अपनी गाड़ी के ऊपर। बादल गिरे हुए, इतना मतलब आज ठंडा मौसम है नो डाउट, जब आज निकलने लगे बैक टू दिल्ली के लिए तो आज थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है, बट कोई बात नहीं, हमने भी इंजॉय किया यहाँ पे दो तीन दिन, सो बहुत मजा आया। आई होप आपने हमारे लास्ट के 6 व्लॉग्स एंजॉय किए होंगे जिसमें हमने आपको मसूरी घुमाया और अलग अलग प्लेसेस घुमाई और पूरा हमने आपको इन्फॉर्मेशन दी सब कुछ, सो यस आई होप आपके लिए वो काफी हेल्पफुल रही होंगी। तो प्लीज हमारा ना चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जो भी न्यू व्यूअर्स है और लाइक का बटन दबा दिया करो ताकि हमें मोटिवेशन मिले, थैंक यू। एंड यस आज का भी फुल डे आप पूरा व्लॉग देखना, आपने थंबनेल से पता लगा लिया होगा, आज जो है बैक टू दिल्ली के लिए हम निकल रहे हैं, सो मसूरी टू दिल्ली हम आपको व्लॉग आज दिखाने वाले हैं सारा इस ब्लॉग में। सो यस आप पहले मेरे को जाम दिखाती हूँ, एक मिनट एक मिनट, देखो इस टाइम कैसा मौसम हो रहा है। सो बैक टू दिल्ली के लिए निकल रहे हैं और आपको आज का भी पूरा हम सफर दिखाने वाले हैं बाय कार। सो यस देखो यहाँ पे कितना जाम है, जगह है ना मुड़ने की। इसने गूगल मैप खोला हुआ है कुलीन, तो उसमें काफी जाम शो कर रहा है, क्या काफी जाम है आज की। मैं आपको तारीख बता देती हूँ गाइस, आज है 24 जून है ना, आज 24 जून, आपको लाइव दिखा रही हूँ, आप चेक करो, कुछ दिख ही नहीं रहा है और ड्राइविंग करना थोड़ा इसलिए पापा के लिए डिफिकल्ट हो रहा है। नहीं कोई डिफिकल्ट नहीं है, हो जाएगा। और अभी हमने गूगल मैप खोल दिया तो हम चल रहे हैं दिल्ली को जाने के लिए, इतने घंटे हैं, लेट्स गो, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होगा हमारा। लेट्स गो, एसी बंद करो, एसी वो साफ होता है ना। हाँ एसी हमने बाहर की तरफ कर रखा है तो वो शीशे की तरफ कर रखा है, शीशा नहीं हो रहा है, हवा आ रही है ना इतनी ठंडी, वो बाहर से आ रही है, बहुत ठंडी हवा है, एसी से भी ठंडी। लेट्स गो, आज जनवरी में ठंड लग रही है, जो हम निकल रहे हैं ना बहुत गंदी वाली ठंड लग रही है, वैसे नहीं थी यहाँ पे 3 दिन। हाँ बहुत गंदी वाली ठंड है ना, वैसे हम 3 दिन पूरा स्टे किया ना, हमने 21 को पहुंचे थे। हाँ। लो जी हम जा रहे हैं, दिल्ली गाड़ी और आ गई है, पंजाब और दिल्ली से बहुत है, बहुत है। और इवन तो मैंने देखे कुछ पहाड़ी लोग यहाँ के लोकल है ना, वो भी पंजाबी बोल रहे हैं, और वैसे इनकी अपनी भी लैंग्वेज होती होगी ना यहाँ पे कोई। हाँ, वो अपनी पहाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन वो हमें समझ नहीं आती। यहाँ पे ना ये पापा बस को साइड दे रहे हैं और एक छोटी सी व्हाइट कार अपना मोड़ने लगा स्विफ्ट वाला। हाँ वो अपनी मोड़ने लग गई कार, तो देखना चाहिए सीरियसली हम अपने में कैसे चलानी गाड़ी, धुंध देखो और गाड़ी में जाम देखो, ऊपर जाने वाले को जाम। देखो ना आगे बैठ के मैं आपको लोकेशन बताती रहती हूँ पापा को, तो तू है खतरों के खिलाड़ी इसलिए आगे बैठ। क्या है कौन सा शेट्टी है जो खतरों के, रोहित शेट्टी शेट्टी देख लिया ना, तेरे को बुला लेना खतरों के खिलाड़ी में आ जाओ। अच्छा ओके, पापा कहते कौन सा शेट्टी है। अच्छा बाय द वे अभी मम्मा और कवल पाठ कर रहे हैं, मम्मा सुखमणी साहब और कवल जपजी साहब, चलो चलते हैं। तो अभी ना हमने पता पार्किंग लाइट जला के पापा ने जताया क्योंकि पीछे धुंध है ना, पीछे वाली गाड़ी दूर से तो पता लग जाएगा कि आगे गाड़ी है, कई बार ब्रेक लग जाते ना पार्किंग, आगे वाले ने भी जला रखी है ना, उसने नहीं जलाई, उसे पार्किंग लाइट का जलाई, पार्किंग लाइट का इंडिकेटर जलते हैं। अच्छा मुझे नहीं बताया सब कुछ, चलो ठीक है अब पता लग गया, उसकी मर्जी, उसको पता है जो उसके पीछे हम ट्रेन है, हम टक्कर नहीं मारेंगे, हमें पीछे वाले भरोसा नहीं है। By the way guys, अभी पूरी ये जो हम इतना रास्ता कवर कर रहे हैं ये पूरा रेड था, यानी कि यहाँ पे जाम था, अब थोड़ा जाम खत्म हो गया, गूगल ये इंडिकेट कर रहा है, बाकी हम देखते हैं अभी क्या हो रहा है। लेट्स गो स्टेडियम, अभी थोड़ा सा जो है ना जाम क्लियर हुआ है तो अभी थोड़ी सी स्मूथ चल रही है कार, बट फिर भी पापा बहुत स्लो चला रहे हैं क्योंकि अभी वैसे एक तो बारिश हो रही है ऊपर से, स्पीड चलनी चाहिए, 20-30 जाने चाहिए यहाँ पे।
एक तो माउंटेन सेफ्टी बेटा अपने आप से। हाँ, एक तो माउंटेन ऊपर से बारिश और ऊपर से धुंध भी। रिस्की मौसम है बट मजा आ रहा है, ठंड बड़ी है। दिल्ली में कितनी अभी वो होगी ना गर्मी, क्या तो वहां भी बारिश हो रही है। हम जा रहे हैं तो बारिश लेके चलते साथ में। हमने बादल बांध लिए अपनी गाड़ी के ऊपर, दिल्ली जाके बरसा देंगे। और क्या सही है। अभी जो है आप देखो, हम थोड़ा नीचे आ गए हैं, आधा घंटा हो गया ड्राइव करते हुए और अभी धुंध नहीं है। मौसम कितना साफ हो गया। ऊपर थे ना, जितना ऊपर थे उतने ज्यादा बादल होते हैं, धुंध होती है। अब मौसम साफ है। हाँ, और आगे ना एक्चुअली ये कार चल रही है पंजाब की है, बट नहीं बहुत बहुत ज्यादा स्लो थोड़ा चल रहा है। स्लो नहीं, सही चल रहा है, सही चलना चाहिए पहाड़ों में तरीके से। तो मैंने ना पापा बोला पापा ओवरटेक करें, क्योंकि ना तीन चार गाड़ी ने हमें ओवरटेक करके उनको ओवरटेक करके आगे चले गए। मेरे को हम करेंगे ओवरटेक, पापा क्या कहते हैं? मैंने कहा ओवरटेक करेंगे तो बेटा ना राइट होगा फिर लेफ्ट होगा, सीधा देहरादून ही उतरेगी गाड़ी। और एक्चुअली ना वो थोड़ा बहुत स्लो से भी चला रहे हैं, वो बार बार कुछ ना कुछ शूट कर रहे हैं। हाँ, वो कुछ शायद टूरिस्ट कर रहे थे तो कुछ रिकॉर्ड करते हुए भी जा रहे हैं, तो सही है। चलो अब हम निकलेंगे। ये चलो कुछ तो अच्छी हुई स्पीड। मुझे ये देखो फोटो खिंचवा रहे हैं। ओके, हम बीच में आ गए। फोटो खिंचवाने में मगन है वो, अब इसको पता ही नहीं गाड़ी आ रही है आ रही है। ओए छोटा बच्चा फोटो खिंचवा रहा हीरो। ऋतिक रोशन आज इतना अच्छा सुहावना मौसम हो गया, आज हम आप भी जा रहे हैं। आज यही मौसम कल होता, मतलब कल ना होता मौसम तो अच्छा था, लेकिन कल क्या था बारिश हो गई थी फिर रुकी थी फिर धूप हो गई थी। कल ऐसा मौसम नहीं था कि धूप ना हो और ऐसा सुहाना मौसम रहे, वो नहीं था। और आपने पिछले व्लॉग भी देखा होगा जो हमने रिक्शे वाले भैया से बातें की थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ पे बारिश का कुछ भरोसा नहीं है, कभी भी आ जाती है कभी भी। पता ही हम गए नहीं थे लास्ट ईयर, हम जब हेमकुंड साहब गए थे पहाड़ों में, हम जब जाते हैं हमें पता ही है। वहाँ पे भी ना चढ़ाई करते वक्त 10 मिनट में कभी बारिश हो रही है फिर बंद हो रही है फिर हो रही है। मनाली गए तब भी तो बोला। हाँ वैसे मनाली तो मैं तब छोटी छोटी थी, मुझे याद नहीं। कितना रिस्की था ना ये, वो गाय थी उसके उन्होंने यहाँ से गलत काटा, हम तो सही है। माय गॉड, उसको काट नहीं उड़ी रही गाय, तो ब्रेक मार दो सीरियसली। ओ माय गॉड, रिस्की था बहुत। स्टेडियम में कार जा रही है ना रेड वाली, इसने हमें ओवरटेक करा था, तो पापा कह रहे इसको भी बड़ी जल्दी है। हम जा कर रहे हैं पीछे पड़ जाती है, चलो चलो तुरंत। मैंने नहीं बोला। हाँ मतलब ठीक है, मैंने बोला है, ठीक है मैंने बोला है। गाइस एक्चुअली मेरे को ना मसूरी सिर्फ 2 दिन ही पसंद आया मेरे को, उसके बाद ना थोड़ा उबने लगा। जैसे फर्स्ट व्लॉग में यहाँ पे हम रुके थे उस साइड हम गए थे, हमने खाया था पास्ता, तो यहाँ पे हल्दीराम उस दिन नहीं था, अगले दिन ओपनिंग थी। तो आज हम फाइनली हल्दीराम आ गए हैं, आते आते ये पहला स्टॉप है जहाँ हम रुके हैं ताकि हम ब्रेकफास्ट करें। तो हमने सवेरे सवेरे से कुछ खाया नहीं, हम खाकर नहीं आए ऊपर से, क्योंकि हमने सोचा था हल्दीराम ही रुकेंगे। ये जो है ना हेमकुंड साहिब की यात्रा पे जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं, हेमकुंड साहिब आगे जा रहे हैं। हाँ जी, और इसी के से होते हो जाएंगे। हाँ मेरे को ना पिछले साल याद आ गया। वो भी इसी डेट के अराउंड था ना। नहीं नहीं, पिछले हाँ 22 में पिछले महीने के अराउंड गए थे। हाँ जी, जिसने हमारी हेमकुंड साहिब की सीरीज नहीं देखी वो प्लीज हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, मिल जाएगी आपको। अभी हम कहाँ गए? अभी हम शामली के अंदर से, शामली कोई होगा गांव टाइप, शामली के अंदर से आ रहे हैं ना भाई। रो गाइस, गूगल जहाँ से लाया वहीं से आ रहे हैं। गूगल ना शॉर्ट मतलब जल्दी पहुँचाने के चक्कर भाई जल्दी है, लेकिन अच्छे रास्ते से लेकर जाओ ना, और अंदर अंदर से गाँव से लेकर आ रहा है। इतनी इतना डर गए थे गाइस हम। हाँ होता ना, इतना सुनसान रास्ता, छोटी आगे वाली जो थार है ना जो चल रही है वो रही हो रही है, वो भी हमारे साथ चली हुई है, वो भी डरी हुई है। वो जो आप काली गाड़ी अभी साथ में पता है पूछ पूछ के जा रहे थे, उन्हें भी नहीं पता, वो भी पक्का दिल्ली हरियाणा के टाइप है, मतलब वहीं जा रहे हैं, तो उनको
देख रहे होंगे पक्का। अभी गाइस दिल्ली आने में 2 घंटे बचे हैं और आपको हमने आज का पूरा जो है सफर दिखाया है। तो अभी भी आप बने रहना ब्लॉग में, ब्लॉग का एंड नहीं करेंगे, भी हम आपको पूरा दिखाएंगे। तो तब तक के लिए मुझे देखते ही डर लग रहा है। फाइनली हम वापस आ गए हैं बैक टू दिल्ली। सो गाइस टोटल 7 एपिसोड्स हैं और फर्स्ट एपिसोड मैंने आज अपलोड कर दिया मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाके जरूर देखना। और आपको अगर हमारी मेहनत दिख रही है, क्योंकि बहुत लाइक एफर्ट लगते हैं एक ब्लॉग शूट करने में, सो 7 ब्लॉग्स आपके लिए रेडी करे हैं मसूरी के। सो यस, आई होप आपको ब्लॉग्स अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक कर देना, कॉमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। सो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में या फिर नेक्स्ट हमारे जो रेगुलर ब्लॉग्स में। तो तब तक के लिए बाय।